पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा किरण लगातार वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार सरकार से अपनी मांग कर रही है, लेकिन सरकार लगातार आश्वासन के बाद भी किसी प्रकार की आस न लगते देख आशा कार्यकर्ताओं का वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद कल से आशा कार्यकर्ताओं ने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। इसका आज दूसरा दिन भी धरना प्रदर्शन में जारी रहा। मीडिया से रूबरू होते हुए जसपुर आशा यूनियन की नगर अध्यक्ष बबीता कश्यप ने बताया कि यदि सरकार ने अभी भी मांगे नहीं मानी तो आगामी समय में अनिश्चितकालीन धरने पर वे चली जाएंगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मांग 3 साल से चल रही है, मांग तो हमारी शुरू से चल रही है जब से हम आशा में लगे हैं। हमारा जो है मतलब बार बार ये घोषित कर देते हैं, पिछले 2021 में हमें इतना आश्वासन दे देता कि तुम्हारा 6,000 हमारा मानदेय कर दिया है वो मिल जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ, 3 साल हो गए इस बात को घोषित करते हुए, और हर बार नई नई बात निकालती है सरकार, आशाओं के लिए कुछ नहीं करती है, और पैसा भी हमारा 3-3 महीने में डलता है, स्टॉक लग लग के पैसा डलता है, हर महीने पैसा भी नहीं आ रहा किसी भी चीज़ में, और हम बड़े परेशान हैं। हमारा आज का भी है, आज से कल तक मतलब हमारा धरना है, और उसके बाद में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम देहरादून भी जाएंगे और हमारी धरना मतलब चलता ही रहेगा। जसपुर से दैनिक भास्कर संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।